بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله चलिए जी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए हैलोजन व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रुप नंबर 17 ग्रुप 7 भी कहते हैं इसको ग्रुप 17 भी कहते हैं ठीक है जी तो इसको स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 या ग्रुप 7 का की क्या केमिस्ट्री तो वी नो दैट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटिन ये हमारे ग्रुप 17 कहलाते हैं या ग्रुप 7 कहलाते हैं इसमें आपका फ्लोरीन टॉप पे होता है ये डायटॉमिक है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड देन एस्टेटिन एस्टेटिन चूंकि रेडियो एक्टिव है तो हम इसको हटा देते हैं हमें इसकी फिजिकल अपेयरेंस भी पता है ये हम पढ़ेंगे दोबारा से ट्रेंड इन अपेयरेंस ऊपर नीचे आते वक्त ये डार्क हो जाते हैं ये इसका ट्रेंड है तो हमें ये बात पहले से पता है ये ओ लेवल में हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है यानी कि अपेयरेंस को हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक और आयनिक रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन पावर ये जो चीज़ है ना ये चीज़ें एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन पावर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है इसके कुछ और रिएक्शन देखेंगे फिर इसकी टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट है ठीक है टेस्टिंग फॉर हाईलाइट विद H2SO4 ये भी इंपॉर्टेंट है कभी कभी इसका भी सवाल आता है फिर इसकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कि क्लोरेट आयन जो होता है ठीक है उसको हम देखेंगे जैसे कि KClO क्लोरेट इस पे चार्ज -1 होगा इसका +1 होगा इसका इसका +1 होगा इसका -2 होगा तो क्लोरेट आयन है इसको क्लोरेट 1 भी लिखते हैं इसी तरह से क्लोरेट 3 भी होता है क्लोरेट 5 भी होते हैं तो जैसे कि KClO3 ये दोनों ब्लीचिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं क्लोरीन जो होता है ना ये ब्लीच के लिए इस्तेमाल होता है तो सोडियम क्लोरेट 1 वाला भी और सोडियम क्लोरेट 5 वाला भी इसको कि 5 है तो -6 और ये +1 ठीक है ना तो ये +5 +1 +6 बना और ये अकेला -6 तो ये पूरा कंपाउंड बैलेंस हो गया तो अगर ये पोटेशियम यहाँ से हट जाएगा तो Cl O3 पर -1 का चार्ज आएगा इसका अकेले का चार्ज +5 है ये इक्वेशन रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में आपको वैसे भी पढ़ाई गई है ठीक है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे यहाँ पर या तो यहाँ करेंगे या तो फिर हम यहाँ कहीं करेंगे अदर रिएक्शन में तो NaOH को जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या बनता है दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कोल्ड होता है और हॉट होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड फिर क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसको हम देखेंगे अभी ठीक है जनरल प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल है अग्रीड एग्जिस्ट एज सेपरेट डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरीन अग्रीड ऑल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2NP5 एन क्या है एन उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर है उसके पीरियड का नंबर है जैसे अगर आप कहें कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ग्रुप जो आपका जो है पीरियड नंबर 2 में आ गए तो ये 2s2 2p6 हो जाएगा इसी तरह से फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड देन एस्टेटिन तो अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो ये है 2 ये है 3 ये है 4 तो ये है 5 तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 5s2 एंड 5p6 ठीक है तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा इसके अपेयरेंस देख लेते हैं अच्छा इसके ट्रेंड्स में हमें अपेयरेंस बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक आयोनिक साइजेस या एटॉमिक आयोनिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन पावर हमें ये देखना है हमें ये पता है पुरानी केमिस्ट्री में आती है कि क्लोरीन एंड क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड हमने पढ़ा था कि पोटेशियम आयोडाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पहले का हमें आता है ओ लेवल में हमने ये बात पढ़ी थी अगर आप इस बात को एनालाइज कर सको तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये I2 में कन्वर्ट होगा ठीक है और ये पोटेशियम हटा दो चलो मान लो इसी तरह क्लोरीन के लिए भी हम ये करेंगे कि क्लोराइड माइनस से क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ होगा तो टू टाइम ये तो ये वाली लाइन पूरी रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाली लाइन पूरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसी तरह मेटल्स के लिए आपको पढ़ाया जाता है जैसे ग्रुप 2 के मेटल्स अभी आपने पढ़े तो ग्रुप 2 के मेटल्स में आपको पढ़ाया जाता है कि जैसे कैल्शियम है कोई भी मेटल होता है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कन्वर्ट किस में होगा कैल्शियम 2+ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन दैट इज व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा दे दूंगा तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा क्योंकि खुद
रिड्यूस हो गया। क्लोरीन का केस इस पे या हैलोजन्स का केस इस पे उल्टा होता है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वो चीज़ हम इसमें दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। फ्लोरीन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो होता है वो ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, वी नो दैट, आयोडीन ग्रेश ब्लैक होता है, उसको ब्लैक में लिख सकते हो, ये ब्लैक सॉलिड होता है। स्टेट्स क्या होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस गैस लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो बेसिकली ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमने ओ लेवल में स्टेटिन भी पढ़ा था, हमने कहा था कि ये है गैस, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड्स, है ना। और हमने इसके अपीयरेंस में एक और चीज पढ़ी थी, येलो, ग्रीन और रेडिश ब्राउन, आयोडीन ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, वाई जी बी बी बी। तो ये सारी चीजें थी। बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट्स का फंडा ये होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितना एटॉमिक साइज बढ़ता है उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल का, चूंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे फिर इधर नीचे भी हो गए, याद आ रहा है, डिस्पर्जन फोर्सेस बनती हैं ये, तो ये इनके साथ भी जुड़े हुए हैं और ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, चूंकि ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके अंदर इंड्यूस डायपोल्स होंगे, टेम्परेरी इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होंगी, जिसको हम डिस्पर्जन भी कहते हैं। देखो इनका डिस्पर्जन और लैंडन फोर्सेस भी कहते थे, या सिंपल अल्फाजों में इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या वेंडरवाल फोर्स कहते थे। और जैसे से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो हमने कहा था कि एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, एटॉमिक साइज पर, एटॉमिक रेडियाई एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम बढ़ते हैं उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो फ्लोरीन से ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ जब आओगे तो ये ऊपर से बॉइलिंग पॉइंट इसका डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज, ठीक है ना, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अपीयरेंस यानी कि डार्कनेस, ठीक है, ये भी इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीज होता है, ये ओ लेवल वाला समझा रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है फ्रॉम गैस टू, नीचे जाता जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, तो आपकी जो होती है फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर वन, इंक्रीज साइज मेक्स इंक्लूड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, टेम्परेरी इंड्यूस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल, ऑल्सो नोन एज लैंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत आसान बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पीछे हमने डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओल्ड होगी तो 2-7